हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में, जो नॉर्थ अमेरिका में स्थित बहुत ही खूबसूरत देश है। इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका के स्टेट्स के बारे में, वहाँ की नदियाँ, पहाड़, ज्वालामुखी और पॉपुलर सिटीज़ के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे आमतौर पर अमेरिका या USA कहा जाता है, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। 9.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला ये देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। अगर इसके एक स्टेट अलास्का को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका मेक्सिको और कनाडा के बीच में स्थित है। USA के नॉर्दर्न पार्ट में कनाडा स्थित है और सदर्न पार्ट में मेक्सिको स्थित है। जनसंख्या के मामले में अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यह 328 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। इस देश की सबसे आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क है। सिर्फ न्यूयॉर्क शहर की जनसंख्या 86,22,698 लगभग है। मैं आपको मैप में USA को दर्शाता हूँ। ये हमारा इंडिया है। इधर से वेस्ट साइड जाएंगे, ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये USA है। इसके नॉर्दर्न पार्ट में ये कनाडा है। USA कनाडा से 49 डिग्री अक्षांश पर अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जो विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन शेयर है। USA का एक स्टेट कनाडा के वेस्टर्न पार्ट में अलास्का स्थित है। USA के वेस्ट में ये नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन है, ये साउथ में मेक्सिको है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 76% लगभग वाइट रहते हैं, 13% ब्लैक रहते हैं और वेरियस एथनिक ग्रुप यहाँ रहते हैं। USA की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। USA के नेशनल सिंबल्स की बात करें तो USA का नेशनल फ्लावर रेड रोज़ है। नेशनल एनिमल अमेरिकन बाइसन है, नेशनल बर्ड बेल्ड ईगल है और नेशनल स्पोर्ट बेसबॉल है। अमेरिका के लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहते हैं। हमारे देश में कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, लेकिन USA में वहाँ की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। वहाँ के अपर हाउस को सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। इस समय USA में रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता है। इस वक्त USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। USA की टोटल एरिया 98,35,000 वर्ग किलोमीटर लगभग है। अमेरिका में US डॉलर यूज़ होता है। अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई सन 1776 से मना रहा है। अमेरिका के इतिहास की बात करें तो 1 जुलाई सन 1776 को जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अमेरिका के 13 पूर्वी राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसके बाद ब्रिटेन ने 4 नवंबर 1782 को USA को स्वतंत्रता की मान्यता दे दी थी। 1912 तक अमेरिका में 48 राज्य थे। इसके बाद अलास्का 1859 में ख़रीदा गया था USA द्वारा, जो पहले रूस का हिस्सा था। USA का ये नाम थॉमस पेन द्वारा सुझाया गया था। 1884 ईस्वी में अमेरिका को फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया था। अमेरिका में स्लेवरी सिस्टम को समाप्त करने के लिए सिविल वार भी हुआ था, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के पहले अध्यक्ष अब्राहम लिंकन ने गुलाम प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अंततः उन्होंने USA को धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र घोषित कर दिया था। अमेरिका के ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो लैंड के आधार पर अमेरिका को 8 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें अटलांटिक और खाड़ी क्षेत्र, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, इंटरमीडिएट हाई ग्राउंड, इंटरमीडिएट वेस्ट प्लेन्स, कैनेडियन शील्ड, रॉकी माउंटेन रीजन, हिली रीजन, पैसिफिक माउंटेन रीजन है। USA में माउंटेन्स में अलास्का में माउंटेन देनाली, जिसकी ऊंचाई 20,310 फीट लगभग है, यह अलास्का रेंज में आता है। फिर है माउंट लोगन, ये यूकॉन में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 19,500 फीट लगभग है।
यह सेंट एलियास माउंटेंस रेंज में आता है। माउंट सेंट एलियास यह अलास्का और यूकॉन में है, जिसकी ऊंचाई 18,000 फीट लगभग है। यह भी सेंट एलियास माउंटेन रेंज में आता है। यहाँ पर और भी वेरियस माउंटेंस हैं। ये फिजिकल फीचर है कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स का। इसमें आप देख सकते हैं जो ब्राउन कलर में है ये माउंटेन रेंज को दर्शा रहे हैं, और जो ग्रीन है वो लोअर लैंड है, और ये जो येलो कलर में है ये प्लेन एरिया है। यहाँ अलास्का में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी रेंजेस हैं, जिसमें ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, एलिसियन रेंज इम्पॉर्टेंट हैं। अमेरिका में नदियों की बात करें तो मिसौरी नदी है, जिसकी लंबाई 2,500 मील लगभग है। इसके बाद वहाँ की एक इम्पॉर्टेंट नदी है मिसिसिपी नदी, जिसकी लंबाई 2,340 मील लगभग है। इसके बाद ये रियो ग्रांडे नदी है, जिसकी लंबाई 1900 मील लगभग है। फिर लॉरेंस नदी है, जिसकी भी लंबाई 1900 मील लगभग है। और भी वेरियस नदियाँ यहाँ बहती हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं इसमें ब्लू लाइंस में नदियों को दर्शाया गया है। ये मिसिसिपी है, यहाँ पे ये मिसौरी नदी है। मिसौरी नदी ग्रेट लेक से निकलती है और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में जाके गिरती है। यहाँ पे ये सेंट लॉरेंस नदी है जो ग्रेट लेक से निकलती है और नॉर्थ एटलांटिक ओशियन में जाके गिरती है। यूएसए में सैकड़ों की तादाद में वोल्केनो पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वोल्केनो अलास्का में पाए जाते हैं। इसमें अलास्का के वोल्केनो को दिखाया गया है, जिसमें माउंट अकुटन, अमाक वोल्केनो, माउंट अगस्टाइन, ब्लैक पीक और भी वेरियस वोल्केनोज हैं। इस मैप में आप अलास्का में उपस्थित वोल्केनोज को देख सकते हैं। इसमें जो सबसे लेटेस्ट वोल्केनो पाया गया है उसका नाम है कनागा वोल्केनो, जो 35th नंबर पे दर्शाया गया है। ये अमेरिका के हवाई द्वीप के ज्वालामुखियों को इसमें दर्शाया गया है। यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अमेरिका के फेमस सिटीज़ की बात करें तो इसमें कैलिफोर्निया अमेरिका का एक महत्वपूर्ण प्रांत है। यह यूएसए के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर तट के सहारे फैला हुआ है। ये यूएसए के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रांत है। यहाँ पर भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है। इसी प्रांत में धरती के सबसे पुराने वृक्ष की प्रजाति रोजवुड या रेडवुड पाया जाता है। इस प्रांत की राजधानी सैक्रामेंटो अमेरिकन एवं सैक्रामेंटो नदी के संगम पर स्थित शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रांत के दक्षिण में स्थित सैन फ्रांसिस्को को यूएसए का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं पर सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी है। यह शहर कंप्यूटर चिप बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसे सिलिकन वैली उपनाम से भी पुकारा जाता है। इसके दक्षिण में स्थित लॉस एंजल्स यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, जो हॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। इसके दक्षिण में स्थित सैन डियागो ट्रक फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है। ट्रक द्वारा फल फूल सब्जी दूध मांस को बड़े महानगरों तक पहुँचाया जाता है। इसे ही ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। दूसरा प्रांत है टेक्सास, जिसकी राजधानी है ऑस्टिन। यह मैक्सिको देश और मैक्सिको की खाड़ी के तट से लगा हुआ प्रांत है, जो अलास्का के बाद यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है, जो कपास उत्पादन एवं पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रांत में स्थित फोर्ट वर्थ पशु नगर एवं डल्लास कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इन दोनों शहरों को जुड़वा नगर भी कहा जाता है। इस प्रांत के दक्षिणी भाग में मैक्सिको की खाड़ी के तट पर स्थित ह्यूस्टन खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और ह्यूस्टन में ही नासा स्पेस सेंटर भी स्थित है। अगला प्रसिद्ध प्रांत है लुइजियाना, जिसकी राजधानी है बैटन रफ। इसी प्रांत में मिसिसिपी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। यह डेल्टा पक्षी के पंजे के आकार का बना हुआ है। इसी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित न्यू ऑर्लियंस खनिज तेल उत्पादन एवं तेल शोधन कारखाना के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रांत है मिशिगन, जिसकी राजधानी है लेसिंग। ये ग्रेट लेक्स के आसपास फैला हुआ प्रांत है, जिसकी सीमा
ओंटारियो झील को छोड़कर सभी ग्रेट लेक्स के साथ लगी हुई है। इस प्रांत में इरी झील के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित डेट्रॉयट विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र है। अगला प्रांत है पेंसिल्वानिया। पेंसिल्वानिया की राजधानी हैरिसबर्ग है। ये प्रांत ग्रेट लेक्स और अपलेशियन पर्वत के मध्य फैला हुआ प्रांत है, जहां उत्तम किस्म के कोयला, एंथ्रोसाइट प्रकार के कोयला का भंडार पाया जाता है। इस प्रांत में स्थित पीटर्सबर्ग विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात बनाने वाला केंद्र है। इसे विश्व की इस्पात राजधानी भी कही जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रांत है न्यूयॉर्क, जिसकी राजधानी अल्बेनी। यह ओंटारियो झील और अटलांटिक महासागर के मध्य में फैला हुआ प्रांत है। इसी प्रांत में हडसन नदी के मुहाने पर स्थित न्यूयॉर्क सिटी यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, जो गगनचुंबी इमारतों का नगर उपनाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहीं पर उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक नगर है, जिसे बिग एप्पल उपनाम से भी पुकारा जाता है। यहीं पर विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कैनेडी स्थित है। यहीं पर इरी झील के पूर्वी तट पर स्थित बफेलो विश्व का सबसे बड़ा आटा बनाने वाला केंद्र है। यहाँ यूएसए की सिक्योरिटी और मिलिट्री की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति देश के सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ होता है, और वह अपने नेताओं, रक्षा सचिव और संयुक्त प्रमुखों की नियुक्ति करता है। यूएसए की आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी, मरीन, कॉर्प्स, नेवी, एयरफोर्स और स्पेस फोर्सेस शामिल हैं। लगभग 1.5 मिलियन सैनिक कार्यरत हैं, और रिजर्व्स और नेशनल गार्ड में 2.3 मिलियन ट्रूप्स शामिल हैं। अगर मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो यूएसए विश्व का सबसे बड़ा हिस्सा अपने जीडीपी का खर्च करता है मिलिट्री पर। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं यूएसए अपने जीडीपी का 3.4% खर्च करता है, जिसमें 732 बिलियन डॉलर लगभग खर्च किए हैं 2020 में। आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर चाइना है, जो 261 बिलियन डॉलर है। ये अमेरिका के आसपास भी नहीं ठहरता। फिर तीसरे नंबर पर भारत है, जिसका एक्सपेंडिचर 71 बिलियन डॉलर लगभग है। अमेरिका के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो सेंट एंटोनियो मिशंस है, जो 2015 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हुआ था। यह टेक्सास शहर में है। यह 17वीं या 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसमें वास्तुकला और पुरातात्विक संरचनाएं, खेत, निवास, चर्च और अन्न भंडार, और साथ ही जल वितरण प्रणाली भी शामिल है। कॉम्प्लेक्स को फ्रांसिस्क, यह स्पेनिश क्राउन के उपनिवेशीकरण के प्रयासों का वर्णन है। हालिया में शामिल हुए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2019 में शामिल हुआ था दी 20th सेंचुरी आर्किटेक्चर ऑफ फ्रैंक लॉयड राइट। यह यूएसए के कई शहरों में स्थित है, जैसे एरिजोना, कैलिफोर्निया, एलनियास, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वानिया और विस्कोसिन में है। यह 8 बिल्डिंग्स हैं, जो फ्रैंक लॉयड राइट द्वारा डिज़ाइन किया गया था। अमेरिका ने बहुत सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें मेनली USMCA है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ANZUS है, काउंसिल ऑफ द बाल्टिक सी स्टेट्स है, जिसे CBSS कहते हैं, इसमें ये ऑब्जर्वर के तौर पर है। USA CERN का हिस्सा भी है, G7, G10, G20 और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी हिस्सा है। USA NATO का, न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी NSG का हिस्सा है, USA SARC का ऑब्जर्वर है और यूनाइटेड नेशंस का भी हिस्सा है। और भी ये लिस्ट हैं, जहां पर आप देख सकते हैं USA लगभग 100 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है। आई होप आपको यहां पे USA के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट।